केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि आज विश्व की रचना व भारत के निर्माण में अपना योगदान देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि विकास की राह पर आज देश और प्रदेश फल फूल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है, अब इनका नेतृत्व करने वाला कोई भी नेता नहीं है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका नेता कौन है जो अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहा है। वह देश व पार्टी प्रदेश का कैसे नेतृत्व करेगी, इसके पास अभी मुख्यमंत्री व अध्यक्ष का भी सही चेहरा सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार व भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रही है उसको लेकर इस बार रिवाज बदल जाएगा। उन्होंने बताया कि अमेठी को तो जीत लिया है, अब बारी रामपुर को भी जीतने की है और इस बार रामपुर को भी हम जीत कर रहेंगे। स्मृति ईरानी ने कहा, वर्षों से देश की वंचित भूमि पर जो विकास कार्य नहीं हो रहे थे वह केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने करके दिखाया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि ये कांग्रेस का एक संस्कार सा बन गया है। वर्षों वर्ष तक जनता को विकास से वंचित रखना ये कांग्रेस का आधार सा बन चुका है। आज इस मंच से जब हम गौरव काम करते हैं हिंदुस्तान का, भारत के नव निर्माण का, तो उस नवनिर्मित भारत में उल्लेख होता है अटल टनल का। आज मैं पूछना चाहती हूँ क्षेत्र की जनता को, वर्षों वर्ष पीडब्ल्यूडी के डिवीजन से आपने दूर रखा, उप तहसील बनाने से इनकार किया, अटल टनल उसको भी पूर्ण नाम करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। ये हिमाचल प्रदेश की सच्चाई है जिससे कांग्रेस पार्टी अपना मुंह नहीं फेर सकती।